आइए जानेंगे आईपीएल का मैच नंबर 28 का टॉस एंड मैच प्रेडिक्शन। आज जैसे आप लोग पता ही होगा कि मैच यहाँ पे होने जा रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। अब ये पे दोनों टीमों को टक्कर टक्कर का मैच होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बैक टू बैक पास करा रहा हूँ जिससे आप लोग को अच्छा खासा टॉस और मैच पता चल रहा है। तो जिससे आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आप लोग ये बताऊंगा कि अभी मैच में सारा फैंटेसी बताऊंगा जिससे आप लोग को पता चलेगा कि टॉस और मैच में कौन कौन सी टीम जीत सकता है। सबसे लोग ये जान लो कि कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का बहुत ही दमदार मैच होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये बता देते हैं यार टॉस पर मैच पे किस भी टाइम चेंजेस हो सकता है। तो उसके लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हूं, तो जो जो अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं की हो जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। वहां पर आप लोग हर मैच हर न्यूज अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहता है, जाके जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। अब मैं आप लोग बता देता हूं कि मैच कौन सा टीम जीत सकता है, तो मैच और टॉस की सारा चीज बताऊंगा। तो फैंटेसी बात बात करते हैं स्टेडियम की, तो ये ईडन गार्डन की मैं कोलकाता में मैच होने जा रहा है। तो ईडन गार्डन कोलकाता वालों के लिए बहुत ही अच्छा खासा बात है कि जो आप लोगों को कोलकाता लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट की, दिए बैटिंग पिच बताया गया और ईडन गार्डन में ज्यादा चौके छक्के की बारिश होगा। 180 तक आप लोग को एवरेज स्कोर भी देखने को मिल गया, तो जो जो इस पिच पे खेलेंगे मैच में वो 200 तक का एवरेज स्कोर आराम से पार कर जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे वेदर रिपोर्ट की, तो वेदर रिपोर्ट यहाँ पे क्लियर इसके बताया गया है, आप लोग आसानी से मैच को एंजॉय कर सकते हो, मैच को देख सकते हो, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं कंपेरिजन का, तो कंपेरिजन में दोनों टीम सेम है। 5-5 मैच का कंपेरिजन बता रहा हूँ मैं आप लोग को कोलकाता का लखनऊ सुपर जायंट्स का, तो कंपेरिजन में दोनों टीम सेम है। लेकिन अब मैं आप लोग बताऊंगा कि टॉस और मैच में कौन कौन से टीम विनर हो सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉस की, तो टॉस जीतने का ज्यादा चांस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का। कोलकाता नाइट राइडर्स आसानी से टॉस विन करेंगे क्योंकि इससे पहले का जो मैच हुआ था लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का, तो टॉस विनर लखनऊ हुआ था। तो यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच का टॉस विनर रहेंगे। बात कर लेते हैं मैच की कि मैच कौन सा टीम जीत सकता है, तो वो भी मैं आप लोग बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये जान लो कि टॉस मैच में कभी किसी भी टाइम चेंजेस हो सकता है, तो उसके लिए मैं अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हूं, तो जो जो अभी तक मैंने टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना। वहां पर लोग हर मैच हर न्यूज का अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहता है, जाके आप लोग जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो मैच की बात कर लेते हैं, तो मैच भी यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स ही जीतेगा क्योंकि खुद का होम ग्राउंड में मैच हो रहा है, तो कोलकाता के लिए बहुत ही अच्छा खासा बात है कि कोलकाता ही जीतेगा मैच को भी और टॉस को भी। आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका ओपिनियन क्या है, आप किस टीम को चाहते हो कि कौन सा टीम टॉस और मैच जीत सकता है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप ये छोटे से आप लोग बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा, वीडियो अच्छा लगे जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, और जो जो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया जाके जरूर करके रख लीजिएगा। चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।